अरे वेलकम टू मूवी शूवी दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको एक अच्छी सी कॉमेडी सीरीज दे रहा हूं तो आप बोलोगे हाँ यार जल्दी बताओ टाइम पास होगा, स्माइल आएगी, इन्जॉय करेंगे, फैमिली के साथ देख पाएंगे होपफुली, अगर उसमें कुछ एडल्ट जोक नहीं होते। और अगर मैं ये बोलूँ कि यार इसके अंदर कोई अच्छा सा मैसेज भी आ जाएगा जो आपका लाइफ लेसन भी बन सकता है तो आप क्या बोलोगे? अरे यार जल्दी बताओ और जल्दी बता। तो मैं आपको एक ऐसे ही एक सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो नेटफ्लिक्स पे आई है। अब देखो ये आपको इंग्लिश में देखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर मैक्सिकन फ्लेवर आपको मिलेगा, तो देयरफॉर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर इंग्लिश अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश सब टाइटल्स में भी पढ़ सकते हैं। इसका नाम है जेटिफाइड सीज़न 2, ये पहले भी आ चुका है। वैसे इसको जिस तरीके से मैक्सिकन में प्रोनाउंस करते हैं इसको बोलते हैं हेंटिफाइड, जी को ह बोलते हैं वो थोड़ा सा। तो आप जब गूगल करके इसको ढूंढने की कोशिश करोगे या फिर नेटफ्लिक्स पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो जी से ही करना, हर इज द प्रोनाउंसिएशन। एनी वैसे काफ़ी ज़्यादा फनी सीरीज है जिसके अंदर आपको यंग लोग दिखते हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं, सपोजिटली मैक्सिको से आए हैं यहाँ पर, कजन्स हैं बेसिकली, और उनके आपस में क्या क्या बैंटर चलते रहते हैं, खुशी के माहौल, आपस का जो माहौल नेबरहुड में बना होता है, और उनके जो ग्रैंड फादर के साथ खिंचातानी चलती रहती है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया। साथ ही साथ में इनकी एक फैमिली टैको शॉप भी होती है उसके इन एंड अराउंड, और उसकी सिग्निफिकेंस इन देयर कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो जोक्स ये लोग क्रैक करते हैं कुकरी के अराउंड वो काफ़ी ज़्यादा फनी हो जाते हैं। अब कुछ यहाँ पर डेस्परेशन भी दिखाई गई है कि जो माइग्रेंट्स में एक ड्रीम होती है कि हम अमेरिका इसलिए आए हैं क्योंकि हम अमेरिका मतलब एवरीबडी विल बी फ्लरिशिंग और हम हाई फ्लायर हो जाएंगे, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब वो जो डेस्परेशन होती है वो इतनी ज़्यादा कई बार पड़ जाती है कि कुछ गलत कदम भी उठ सकते हैं। तो आपको यहाँ विटनेस करना होता है कि कोई ऐसा गलत कदम तो नहीं उठ जाएगा जिससे जो इनकी अच्छी सी दुनिया बनी हुई है जहाँ पर एक अच्छा सा नेबरहुड है, जहाँ पर एक ग्रैंडफादर हैं जो उनको बांध के रखते हैं सारे बच्चों को, और एट द सेम टाइम इनका जो टैको शॉप है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कुछ जेपटाइज तो नहीं हो जाएगा। ये कंक्लूजन वाली जो सीज़न है सीज़न 2, ये आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, यही आपको विटनेस करना होता है। जिस तरीके से इन्होंने जो बोलूँगा जो सोशल पॉलिटिक्स होती है माइग्रेंट्स को लेके वो एक्सप्लोर किया वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जो धारणा ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन ड्रीम की, वो काफ़ी सारी सीरीज़ में बैक टू बैक आ चुका है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो अच्छे से एक्सप्लोर किया गया, और सबकी एक्टिंग बेमिसाल है। आपको लगेगा कि ये लोग फन फील्ड हैं बट एट द सेम टाइम दे हैव सर्टन होप्स एंड देर हैव सर्टन एम्बिशंस इन लाइफ जिसके चलते गलत डिसीजन हो सकते हैं, तो यही मेजॉरिटी से इसको हैंडल किया गया जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरीके से इसको विजुअली शूट किया गया है वो दो साइड हैं, एक है आप देखोगे नोटिस करोगे काफ़ी कलरफुल है जब ये कलरफुल बातें कर रहे हैं जिसमें ये हैप्पी हैं, जोक्स हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वही है, और कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर इनको डिसीजन मेकिंग करनी है, जहाँ गलत स्टेप्स लिए जा रहे हैं वहाँ देखोगे एक क्लाउडी एनवायरनमेंट है और शेडोज में किया है, तो ये फिल्म मेकिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसके अंदर, एज इन वीडियो मेकिंग काफ़ी अच्छी हुई है जो मूड को भी रिफ्लेक्ट कर देती है सीन के अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरी तरफ से इसका मूवी शूवी स्कोर रहेगा B+, और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती थी अगर इसका जो मैसेजिंग का ब्लेंड है वो ज़्यादा प्रीची ना हो जाता, जो मुझे लगा कईयों को भी लग सकता है कि प्रीची है। अदरवाइज इट्स अ गुड सीरीज टू वॉच। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो सीज़न 1 के आगे ही देखना, सीज़न 2 नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। तो मिलते हैं कोई रिव्यू को अपडेट के साथ, फटाफट से सब्सक्राइब करने का है आपको। बाय बाय।